तीन बोरे में रखे 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां, लाखों के ज्वेलरी, जमीनों के कागजात, चार लग्जरी कार, कई बैंकों के एटीएम। ये देखकर लगता है कि हम शायद किसी फिल्म का सीन देख रहे हैं जिसमें अमरीश पुरी अपनी हवेली में खजाना खोलकर बैठा हो। लेकिन ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है जनाब, बल्कि बिहार के पटना के एक अधिकारी के घर पर छापे के दौरान निकले खजाने की, जिसके बाद अब पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि कैसे एक घूसखोर अधिकारी इतना बड़ा मायाजाल फैला रखा था। दरअसल बिहार के ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। कोर्ट से छापेमारी की इजाजत मिलने के बाद जब कार्रवाई की गई तो साहब के पास कुबेर का खजाना निकला। खजाना इतना कि पूरी रात निगरानी विभाग के अधिकारी गिनते गिनते थक गए, तो नोट गिनने वाली मशीनों का सहारा लिया गया, तो 4 करोड़ से ज्यादा का कैश निकला, लाखों की ज्वेलरी निकली, जमीनों के कागजात तो ऐसे निकले जैसे हिंदी फिल्मों की तरह गरीबों के अंगूठे लगवाकर हासिल किए गए हों, 4-4 लग्जरी कार, कई बैंकों एटीएम। ये तो वो खजाना है जो अब तक के छापेमारी के दौरान निकला है। निगरानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जितेंद्र के 4 और ठिकाने हैं और इन चारों ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है और जब्त सामानों का आकलन किया जा रहा है। अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ और भी मिल सकता है। फिलहाल घूसखोर अधिकारी साहब अभी फरार हैं, उनके तलाश की जा रही है। लेकिन इस छापेमारी के बाद इतना खजाना देखकर हर कोई सन्न है, सोच रहा है कि कैसे ऐसे घूसखोर अपराधी सरकारी डाकू बनकर सरकार और जनता को लूटकर अपना खजाना भरते हैं। इन्हें किसी बात का डर नहीं होता, शर्म नहीं होती, लाज की चादर को तो तकिया बनाकर पैरों के नीचे रखते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मुंह को ढक देना, कोई देखे ना, पहचाने ना, सारा लाज शर्म वापस आ जाता है। ऐसे घूसखोरों की वजह से राज्य और देश की ऐसी हालत हो चुकी है। गरीब तो बेचारा दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से कमाता है और ये भ्रष्ट अधिकारी अनाज रखने वाले बोरों में नोटों की गड्डियां रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।